एक बार मुझे देख लो ऐसे मेरे। सो गाइस अभी जे एडवांस का पेपर छूट चुका है, सो अभी हम लोग बच्चों का रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं कि बच्चों का पेपर कैसा हुआ है, कितने बच्चों को पेपर जे मेन से भी आसान लगा, चलिए देखते हैं। मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा कौन सा कठिन लगा आपको? कठिन तो फिजिक्स था। अच्छा फिजिक्स कठिन था। और सबसे ईजीएस्ट वन कौन सा लगा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ईजी लगा। अच्छा और लास्ट ईयर के आपने प्रीवियस ईयर्स देखे थे? हाँ देखे थे, लास्ट पेपर भी दिया था। तो उसके कंपैरिजन में कैसा लगा इस साल का पेपर? लास्ट ईयर एडवांस का पेपर नहीं दे, मतलब नहीं दिया था। ओके। बाकी पेपर सॉल्व किया था। ओके। तो पहले कंपैरिजन में कैसा लगा आपको पेपर? पहले कंपैरिजन में आपका ठीक था पेपर, थोड़ा ईजी था। चलिए तो करेंगे पेपर में, अच्छा करके आए, अच्छा पेपर। चलिए थैंक यू। ठीक था, मतलब सेकंड पेपर थोड़ा ज़्यादा टफ था। अच्छा पहला वाला इजी था, सेकंड वाला टफ था? पहला वाला इजी था। तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से कौन सा सबसे टफ लगा आपको? फिजिक्स। अच्छा फिजिक्स सबसे टफ लगा। हाँ फिजिक्स वैसे भी वीक है तो और ज़्यादा टफ लगे। ओके और बच्चों को भी यही कहना है कि फिजिक्स सबसे टफ लगा। और आपको सबसे ईजीएस्ट कौन सा लगा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको सबसे ईजी लगा। ओके चलिए अच्छा था, थैंक यू भाई। भाई एक एडमिशन मिल गया आपने गोल। एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। हेलो, पेपर दे के आए, एडवांस का पता चल रहा है। नहीं इसको छोड़ो भाई, एक्सक्यूज मी। कैसा क्या पेपर आपका? बढ़िया क्या पेपर, अच्छा क्या? ये होता है जे एडवांस का पेपर, समझ रहे हो आप लोग? मतलब बच्चे खड़ा नहीं होना चाहता, कोई नहीं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है ना कि हमारा भी कटा था तुम्हारा भी कटेगा। हाँ हेलो, कैसा क्या पेपर आपका? अच्छा क्या, मतलब और पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी आया था और अच्छा थोड़ा फिजिक्स सही, मतलब ठीक था पेपर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से सबसे टफेस्ट कौन लगा? टफेस्ट तो मुझे मैथ लगा। अच्छा टफेस्ट आपको मैथ्स लगा। अच्छा और प्रीवियस ईयर आपने लगाया था? प्रीवियस ईयर हाँ उसको लगाए थे, फिजिक्स के लगाए थे। तो उसके कंपैरिजन में कैसा था इस साल का पेपर? मतलब जब मैं 2019 का पेपर देखे तो थोड़ा इजी था, मतलब इस साल का पेपर थोड़ा इजी गया था, तो शायद मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगी। अच्छा आपको लग रहा है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा? ऐसा मुझे लगा। अच्छा तो कितना अटैम्प्ट किया तुमने, कितने मतलब कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए लगभग? मैंने इस पेपर में 19 किया, उस पिछले में 15 किया था। चलो बहुत अच्छे, मतलब माइनस मार्किंग अवॉइड करिए। चलो थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कैसा क्या पेपर आपका? ठीक ठाक गया है। अच्छा ठीक ठाक गया, ठीक ठाक। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से सबसे टफेस्ट कौन सा लगा आपको? मैथ मतलब टाइम ले रही थी, केमिस्ट्री ठीक ठाक, पहला पेपर ठीक ठाक था, दूसरा थोड़ा मतलब इजी था पहला, मतलब न्यूमेरिकल टाइप, मतलब वो थ्योरी टाइप क्वेश्चन आया है, और दूसरा थोड़ा हार्ड, दूसरे वाला हार्ड आया है पहले के मुकाबले। अच्छा मतलब आपको ये कहना कि जो पहला पेपर था उसे कंपैरिजन में सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ है? हाँ सेकंड पेपर टफ है बहुत पहले के मुकाबले। अच्छा और सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? टफेस्ट मेरे को फिजिक्स लग रहा था। चलिए तो क्या लग रहा है कट ऑफ में, मतलब कुछ आइडिया? नहीं होता। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी, कैसा गया पेपर आपका? नो कमेंट। कैसा गया पेपर आपका? पेपर वॉज वेरी लेंदी। अच्छा पहले के कंपैरिजन में बहुत लेंदी मिला इस साल? अरे पेपर वॉज वेरी लेंदी, आई थिंक मीन्स पेपर वॉज वेरी लेंदी एंड क्वेश्चन लेवल डिफिकल्टी लेवल वॉज वेरी हाई। ओके थैंक यू। क्या पेपर आपका? ठीक है। अच्छा क्या? अच्छा केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स में से टफेस्ट कौन सा लगा इस बार? पहले में तो मैथ्स था, दूसरे का मैथ्स आसान था, और दूसरे वाले में टफ कौन सा था? टफ तो केमिस्ट्री था, थ्योरेटिकल ज़्यादा था। अच्छा केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल आया और न्यूमेरिकल भी थोड़ा लंबे थे कैलकुलेशन में। ओके तो क्या लग रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर का लेवल बढ़ा है या घटा है? पिछले साल का मैथ्स तो कैलकुलेटिव था, बाकी हार्ड नहीं था, इसका पहला वाला मैथ्स थोड़ा हार्ड आया तो दूसरा सही था। चलिए सही है, थैंक यू। हेलो एक्सक्यूज मी, कैसा क्या पेपर आपका? बहुत बेकार। चलिए थैंक यू। कुछ लोग का बहुत बेकार गया है।
सो गाइज आप लोग ये देख सकते हो कि मिला जुला रिएक्शन आ रहा है बच्चों का। कुछ बच्चों का कहना है कि फिजिक्स कठिन था, कुछ बच्चे कह रहे हैं केमिस्ट्री कठिन था, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैथ्स कठिन था, जो कि लॉजिकली हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे जे एडवांस के पेपर से रिलेटेड, कि जे एडवांस के पेपर में आपको बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिल ही सकते हैं। सो गाइज दिस वॉज द रिएक्शन रिगार्डिंग जे एडवांस पेपर। यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रहा है तो अभी हम लोग को यहाँ से हटना पड़ेगा, और हमारा भी भाई पेपर देने आया था तो यार उसका तो अभी रिएक्शन लिया ही नहीं है। आपको बताया जाएगा वीडियो में, जो शाम को वीडियो आएगी उसमें रिएक्शन बताएंगे उसका कैसा क्या पेपर। सो गाइस थैंक यू, टेक केयर। चैनल पे नए हो तो भैया काउंसलिंग के लिए वीडियोस, काउंसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।